प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाना है। इससे पहले उन्होंने राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। सेमिकॉन इंडिया में देश विदेश की बहुत सारी कंपनी आई है, हमारे स्टार्टअप्स भी आए हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं और मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, किस प्रकार से नई ऊर्जा के साथ नए लोग, नई कंपनियां, नए प्रोडक्ट। मुझे बहुत कम समय मिला लेकिन मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, हम जरूर जाएं। दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है उसको भली भांति समझे, जाने। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, व्हाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है व्हाई नॉट इन्वेस्ट। आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी 2 गुने से ज्यादा हुआ गया है। भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब 2 गुना हो चुका है। जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था, अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है।